Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. जब तक के हमारे फंडामेंटल्स ठीक नहीं होते तब तक के जीवन मेंटल रहती है और जब फंडामेंटल्स क्लियर है तो जीवन फन है. देखो फन डा मेंटल. तो जो दुखी है उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और जो समझदार है वो मौज में है. और ये समझदारी आती है केवल चिंतन से, आर्ग्यूमेंट करने से नहीं आती. हम लोग जो उलझ जाते हैं ना, बड़ी बड़ी बातों में नहीं उलझते, छोटी छोटी बातों में उलझते. अब देखो हम में से कौन दुखी इसलिए है कि हमको अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, है कोई दुखी? हमारे दुखों का कारण स्टैंडर्ड है, सुबह चाय नहीं मिली. अरे घटिया, देखो जो घटिया चीज के लिए दुखी होते हैं वो घटिया है, जो श्रेष्ठ चीज के लिए दुखी होती है वो श्रेष्ठ है. भगवान रामकृष्ण परमहंस आज भी माँ का दर्शन नहीं हुआ कह के जमीन पर लोट पोट हो जाते थे. देखो दोनों दुखी है, एक सुबह चाय नहीं मिला इसलिए दुखी है, दूसरा माँ का दर्शन नहीं इसलिए दुखी है. तीसरे कौन है जो दुखी होते ही नहीं? देखो महाराज कारण क्या है, फंडामेंटल्स. फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए और इसीलिए हमको यहाँ बताया कि जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है उस ज्ञान को मन कहते हैं या चित्त कहते हैं. शास्त्रों के शब्दों का अर्थ यदि स्पष्ट ना हो और केवल हम अपने संस्कृत भाषा के बल पर ये समझे कि मुझे शास्त्र का ज्ञान हो सकता है तो गड़बड़ है. जैसे उदाहरण के लिए इदम संस्कृत का शब्द है. इदम माने ये, इदम पुस्तकम ये पुस्तक है. लेकिन वेदांत में इदम का अर्थ केवल इतना ही नहीं, इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं. और दुनिया क्या है, अहम इदम का व्यापार है. अब सवाल ये आता है अहम कौन है? तो तीन प्रकार के अहम हमारे शास्त्रों में बताए. मुख्य अहम जिसको अद्वैत ईश्वरवाद में कहते हैं पूर्णाहंता, पूर्ण अहंत, इन्फिनिट सेल्फ, वो है वेदांत में इसको कहेंगे मुख्य आत्मा. फिर दूसरा आत्मा पैदा होता है, देह के साथ तादात्म्य किया, फिर मिथ्यात्मा पैदा हो गया. मिथ्यात्मा पैदा होने के बाद अब 2G स्कैन, फिर तीसरा आत्मा पैदा होता है जिसको गौणात्मा कहते हैं. देखो तो मुख्यात्मा सच्चिदानंद, कोई सवाल ही नहीं प्रॉब्लम का. मिथ्यात्मा देह बन गए तो प्रॉब्लम शुरू. पहले देह की प्रॉब्लम, फिर देह के संबंध में जो पैदा होते हैं उनको गौणात्मा कहते हैं. तो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे ससुरे गौणात्मा है. और आदमी दुखी इसलिए होता है इनके कारण. देखो महाराज तो जो गौणात्मा है वो सेकेंडरी आत्मा काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है. जब इस काल्पनिक को हम सत्य मानते हैं तो हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे एक पक्षी दर्पण के सामने बैठा है और दर्पण के प्रतिबिंब के साथ झगड़ा कर रहा है.
वही हमारी स्थिति है। आदमी अच्छा खासा पति बनने के बाद बेवकूफ बन जाता है। देखो, स्त्री अच्छी खासी पत्नी बनने के बाद दुखी बन जाती है। अब ये पति पत्नी कहाँ है, तो करे क्या, एक ही बात करनी है, गो टू बेंगलुरु और कर्नाटक। देखो, बड़े हैं तो उनके साथ आदर सत्कार से बात करें, नाटक आदर देने की जरूरत नहीं। देखो, जैसे नमस्कार करते हैं इसलिए आदर देने के लिए, लेकिन उसमें नमस्कार करने की जरूरत नहीं, केवल एक्टिंग करनी है। देखो, दक्षिणी नमस्कार साष्टांग होता है, जैसे जैसे ऊपर आ जाओ और हमारे पंजाब में पहुंच जाओ, वहां का नमस्कार माने वो आपको जरा जैसे थ्रेटनिंग है, केवल थोड़ा ऐसा करेंगे, हो गया नमस्कार, आदर की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, तो बड़ों के साथ आदर का व्यवहार, वो जाने के वाला भले गाली दो कोई बात नहीं, सामने तो कम से कम उल्टा मत बोलो। अपनी उम्र में जो है उनके साथ दोस्ती का व्यवहार, अपने से जो छोटे हैं उनके साथ क्षमा का व्यवहार। अब बच्चे गलती नहीं करेंगे, बुढ़ाओ करेंगे। बच्चे गलती करने के लिए होते हैं, क्योंकि वो गलती से ही पैदा होते हैं। जो चीज गलती से पैदा हुई वो कैसे ठीक रहेगी। देखो, और यदि पत्नी से बात करनी है तो करो मत, सुनते रहो। देखो, तो ये सब के सब नाटक है, इसमें सीरियस मत होना। जब हमने ये समझ लिया तब हमने व्यवहार का सिद्धांत समझ लिया। देखो, जैसे आप यहां बैठे हो तो नाटक तो है, सुन रहे हैं, कहां सुन रहे हैं, इधर से सुना उधर से निकल गया और फिर ज्यों के त्यों। कितने सत्संग हो गए, कितने महात्मा आके चले गए, हम चैलेंज है, हमको सुधार के दिखा। देखो संतो, तो जिस प्रकार से हम सत्संग सुनते हैं उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो ना। एक हमारी कमी है अनेक कमियों में, वो कमी ये है कि हमको किसी के नाम याद नहीं रहते, चेहरा भी याद नहीं रहता। अभी हम जब गए थे डेंटल कॉलेज में हमारे मुंह को दिखाने के लिए, तो पहले एक डॉक्टर दुबे आए, उन्होंने हमको अच्छा कर दिया। दूसरे दिन फिर गए किसी काम से, तो मैं भूल गया उनको। फिर मैंने उनको कहा, वो डॉक्टर दुबे आए थे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। बोले, मैं ही डॉक्टर दुबे हूँ। इतना रखा कि क्या करें, नाटक करो। तो हमको याद नहीं रहते नाम किसी के, तो हम फिर अपना अज्ञान छुपाने के लिए लोगों को बड़ा आदर से संबोधित करते, हे भगवान, हे महात्मा जी, कैसे हो, इस प्रकार से। तो एक बार हमने किसी को ऐसा ही कहा, महात्मा जी जरा लेट हो रहे, जल्दी चलो ना। बोले, स्वामी जी मैं कहाँ महात्मा हूँ, मुझे क्यों महात्मा कहते आप, अच्छा सॉरी, ए बेवकूफ जल्दी जा। अब जैसे मैंने उनको बेवकूफ कहा, उनको गुस्सा नहीं आया, उनको आश्चर्य हुआ, आश्चर्यवत पश्चति कश्चि देना, स्वामी जी को भी कैसे पता है कि सब मुझे बेवकूफ कहते। देखो महाराज, इस जगत में सीरियस होकर के जीना, इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। भगवद गीता की एक दो बात आपको सुनाते हैं, देखो कितनी सिंपल है, आपने सुनी नहीं होगी। पहली बात, भगवद गीता में जितना बताया है उसमें से एक भी अर्जुन ने नहीं किया। युद्ध के मैदान में था ना, वहां के हाथ में माला लेकर के राम राम करेगा, या आसन पर बैठ करके मेडिटेशन करेगा, या दान धर्म करेगा, या सत्संग करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं किया। फिर हुआ क्या, देखो एक ही बात हुई, उसकी जो अपने बारे में गलत धारणा थी कि इस समय मैं किसी का पोता हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का भाई हूं,
कितनी छोटी सी गलती थी ये, और उस छोटी सी गलती के कारण कितना दुखी हो गया। अब आप अपने में देखो, जब जब हम दुखी होते हैं तब तक हम कुछ बनते हैं, बनो मत। इसको कहते हैं व्यावहारिक जीवन। व्यवहार में जैसा करना है करो। आप अमेरिका में हैं तो दहने बाजू से गाड़ी चलाओ। नहीं लेकिन मैं तो इंडियन हूं तो वापस चले जाओ इंडिया को। देखो इसीलिए फंडामेंटल्स क्लियर चाहिए, और जब फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो ये बात समझ में आएगी हमारे विक्षेप के कारण हम दुखी होते हैं। तो विक्षेप से हटने के लिए साधना क्या है, मन के संतुलन को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। जगत में कुछ भी हो जाए अपने मन के संतुलन के साथ कभी झगड़ा व्यापार मत करना, सबसे महत्व की बात है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। देखो तो जो पति पत्नी के कारण दुखी हो रहा है वो बेवकूफ है, जो पत्नी पति के कारण दुखी होती है वो सुपर बेवकूफ है। क्यों दुखी हो, फिर क्या करे, उनको दुखी करो ना, स्वयं दुखी मत होना। स्वामी जी ये तो आप गलत बता रहे, गलत नहीं बता रहे। जो आदमी दुखी नहीं होता वो किसी अन्य को दुखी नहीं करता, और जो स्वयं दुखी होता है किसी को सुखी नहीं देख सकता। देखो आप लोगों ने घर में देखा होगा, भगवान ने ये दुनिया जो है ना टाइम पास करने के लिए बनाई है, तो वो हमेशा अपोजिट कैरेक्टर्स को साथ में ले आते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, समझो पति जो है वो परफेक्शनिस्ट है और पत्नी जो है वो हैप्पी गो लकी है। आसाम की बात है, वहाँ हुआ था एक बंगाली फैमिली, हम उनके यहाँ गए तो खाना पीना खा लिया तो पति ने शुरू कर दिया कंप्लेंट, स्वामी जी देखो अपने बेडरूम में ले गए। उनके पत्नी ने अपने कंघी की होगी, 4-6 जगह में कंघी रखी है और उसमें बाल लगे हुए हैं। उन्हें देखो मेरी पत्नी को कैसे समझाए, तो मैंने उठाया कंघी और साफ करने लगे। बोले आप क्यों साफ करें, मुझे दिखाया आपने, साफ करो तो कर रहा हूँ। बोले नहीं 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 आप इसको कुछ समझाओ, लोग हमारा उपयोग करते हैं। तो हमने कहा अम्मा जल्दी आ जाओ, केस आप अगेंस्ट फायर हो गई है। आ गई और वो आई, बढ़िया मस्त शरीर था और मुंह में भरा पान था, बोल नहीं सकते ना, मुंह भरा है। तो हमने कहा देखो आप चारों दर्द में ऐसा रखती हो, इनको दुख होता है, क्यों करती हो ऐसा, बोल नहीं सकती। और वहीं से खिड़की से फुर्र करके थूक दिया, आधा बाहर आधा अंदर, और जो उसके इधर उधर लगा तो अपने पल्लू उठा करके साफ कर लिया। हाँ आप बुलाओ, क्या बोल रहे थे आप, ये इनकी बात छोड़ो आप, डोंट टेक हिम सीरियसली। देखो कितनी गजब की बात है, वो मेरी गुरु, मैंने उसी से सीखा है। फिर बोले ये इसलिए गुस्सा करते हैं मालूम है क्यों, मेरे बाल को देख करके ये जलते हैं क्योंकि ये गंजे हैं इसीलिए। अब देखो मुझे कितना आनंद है जगत में। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो दुखी भी परफेक्टली होते हैं, सिंपल दुखी नहीं होते, वो परफेक्टली दुखी। इसीलिए महाराज इस जगत में किसी वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति को लेकर के दुखी नहीं होना, विक्षेपित नहीं होना, ये आपका आध्यात्मिक जीवन है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पढ़ते हैं और छोटी मोटी चीज को लेकर के दुखी होते हैं, मत देखो ना। देखो साउथ इंडिया की बात है, हुबली की, वहाँ हमको एक गुजराती और मारवाड़ी समाज का ग्रुप था, हमको ले गए वहाँ, स्वामी जी आप कुछ प्रवचन देना हम लोगों के लिए। हम गए वहाँ, जब जा रहे थे स्टेज पर एक बुढ़ाओ ने हमको कहा स्वामी जी आजकल बच्चे टीवी देख करके बिगड़ रहे हैं, आप ये इसको जरा बोल देना आपने इसमें। अरे ठीक है, अब उन्होंने गलत नंबर डायल किया, हम आए हमने शुरू कर दिया। आज हमारे जगत में हमारे देश में ये टीवी के कारण
हम रुक गए और वो बूढ़ा सोच रहे थे हम बताएंगे कि जवान बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं। हमने कहा आज हमारे देश में टीवी के कारण बुढ़ाओ लोग बिगड़ गए। 24 घंटे चिपके रहते हैं। देखो महाराज उठते ही नहीं वहां से, जैसे रैली रेस होता है ना, रिले रेस, एक आके बैठेगा दूसरा तीसरा चौथा। और आपको इसका आनंद लेना है तो जब प्राइम टाइम होता है कोई सीरियल चल रहा हो उस समय आप उनके यहाँ जाओ। हाँ स्वामी जी आगे बैठिए। कब आए आप यहाँ, सुनत में कहाँ है? देखो संतो अपने मन को शांत रखना यही साधना है। दुनिया के बारे में विचार मत करना, करना है तो कुछ करो, सेवा करो, खामो खाम खाली पीली परेशान हो रहे। इसीलिए कहते हैं यहाँ भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, तो उसके कहते यहाँ सर्वत्र नभिस्नेहा तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मन में राग द्वेष के कारण विक्षेप आते हैं, जिसके प्रति राग हो उसको कुछ हो गया तो विक्षेप आ गए, जिसके प्रति द्वेष हो उसका अच्छा हो गया तो विक्षेप आ गए। मालूम है कैसे पास हो गए? अब कोई पास हो गया उसकी खुशी थोड़ी है उसको। इसीलिए नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने मन में राग द्वेष का प्रभाव न रहे, इसके लिए समझ क्या है? बड़ी सिंपल समझ है, राग द्वेष के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। किसी को पीला रंग अच्छा लगता है, किसी को लाल रंग अच्छा, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। खाने में जैसे हमको बैंगन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और पंजाबी हो तो पंजाबियों में डेली किसी क्या होती है, बैंगन का भरता। बैंगन का भरता नहीं होता, उनका उच्चारण भी बड़ा स्टैंडर्ड होता है। देखो तो जब हमारे थाली में आके गिर जाता है बैंगन का भरता तो हम कहते हैं हे भगवान दूसरा अवतार नहीं ले सके आप, यही अवतार आपको सूझा। तो फिर जैसे कुछ खराब चीज हो तो हम टिश्यू पेपर डाल के उठा के फेंक देते हैं ना, वैसे हम उसके ऊपर में चपाती रखते हैं, ले करके भगवान का स्मरण करके उसको निगल लेते हैं पानी के साथ, और उस महामाया को लगता है मुझे अच्छा लगा फिर से आके दे। अब मुझे बताओ मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता इसका क्या लॉजिक है? दूसरे को अच्छा लग रहा है, कहने का तात्पर्य राग द्वेष के पीछे कोई लॉजिक नहीं। और हमारा जीवन कौन चला रहा है? यही राग द्वेष। मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं मत लगने दो, हु केयर्स। देखो संतो जगत में विचार ये करना है योग्य क्या है। जैसे सुबह जल्दी उठना योग्य है लेकिन अच्छा नहीं लगता, रात तक लेट जगते रहना बुरा है लेकिन अच्छा लगता है। अब देखो कौन हमको गाइड कर रहा है, जो अच्छा लगता है वो या कि जो अच्छा होता है? कठोपनिषद में इसको कहते हैं प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। अर्जुन की विशेषता यही थी, उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है, यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मेरे लिए जो योग्य है हे भगवान वही आप मुझे बताओ। हम जब जाते हैं महात्माओं के पास अपनी मनवाने के लिए जाते हैं, इसीलिए अपने मन में यह राग द्वेष का प्रभाव न रहे, ना भी नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कितना आसानी से ये होना चाहिए, यदा संहरते चायम कुर्वोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम, जब ये ज्ञानी पुरुष चाय पीता है, देखो चायम, एक बार मैंने ऐसा कहा तो एक गंभीरानंद सत्संग के बाद हमको कहते स्वामी जी आप कहाँ चाय लिया है भगवद गीता में, भगवान के समय तो चाय थी नहीं। आप क्या कहते कि यदा संवरते चायम, हमने कहा किसने कहा आपको चाय नहीं थी? भगवान की पत्नियां मालूम है 16,000,
कहाँ की थी? आसाम की थी। अब जिसकी 16,000 पत्नी आसाम की हो, वो नहाएगा भी चाय में, पीने की तो बात छोड़ो। तो गंभीर होकर के अध्ययन नहीं होता। रिलैक्स। यदा संहरतेश अयम कूर्मोंगानी व सर्वशः। यह जो ज्ञानी पुरुष है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, यह सभी के सभी अपने अंग कूर्म के माने कछुए के जैसा बिना कष्ट से अपने आप में खींच लेता है। कछुए की छह बाहर निकलती है चीजें, चार पैर, एक सर और एक दुम। तो सामने से कोई गड़बड़ी आ रही हो तो कछुआ भागता नहीं, झगड़ा भी नहीं करता, सब अपने आप में समेट लिया और शांत बैठ लिया। इसी प्रकार से इस जगत में रहना है, किसी से उलझना नहीं, कहीं भागना नहीं, जहां वहीं रहो। केवल जितने आसानी से कछुआ अपने इंद्रियों को अपने में वापस कर सकता है, उसी प्रकार से हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिय और छठवां मन, इनको अपने में आप वापस बुलाना, यही आध्यात्मिक साधना है। अब ये छह को कैसा करें कंट्रोल? अच्छा, छह को मारो गोली, एक को करो। कौन सा एक है? अपनी जबान। एक ही इंद्रिय इसको पकड़ो आप, बहुत अपने आप पर उपकार हो जाएंगे। जबान से हम बोलते भी है और खाते भी है। तो पहली बात सबसे महत्व की, अपने खाने पर नियंत्रण हो। सामने आया, दबा के खाया, और हर खाने के बाद आज जरा ज्यादा ही हुआ। अरे रोज की बात है यार, एक आध दिन तो कम खाओ। टू बी एक्सट्रीमिस्ट इज वेरी इजी। बहुत खाना या बिल्कुल नहीं खाना, ये दोनों बेवकूफी है। भगवान कहते छठवें अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दिन में तीन बार खाओ, तीनों बार थोड़ा थोड़ा, तब साधना हो रही है। नहीं तो सामने बढ़िया ब्रेकफास्ट आया, ऐसे दबाए जा रहे हैं कि दिस इज द लास्ट सफर। देखो, खाने का सिद्धांत बताते हैं शास्त्र में, जितनी भूख है उससे आधा खाओ, एक चौथाई पानी से भरो, और एक चौथाई वेंटिलेशन के लिए खाली रखो। और हम तो इतना खाते हैं कि अंदर से कंप्लेन आती है, अब मत खाओ। देखो, युक्त आहार विहारस्य। उसी प्रकार से जीवा का दूसरा कार्य है बोलना। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी साधना है, अनावश्यक ना बोले। हम अनावश्यक ऐसे बोलते हैं, जहां जरूरी नहीं वहां बोलेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं वहां बोलेंगे। किसी को भी एडवाइस करेंगे, भगवान को छोड़ते नहीं हम। देखो, कम से कम बोले। हमने आपको कुछ दिन गणित बताया था, 8 घंटे काम करो तो जितनी आपकी शरीर की शक्ति नष्ट होती है, उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने से नष्ट होती है। और 8 घंटा बोलने से जितनी शक्ति नष्ट होती है, उसने 15 मिनट चिंतन करने से शक्ति खत्म होती है। इसीलिए जो चिंतनशील होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उनका टॉप फ्लोर एम्प्टी। एक हमारे योगी मित्र बिट्स पिलानी में, वो टीचर है वहाँ। हम वहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मुझे आके मिले, बोले स्वामी जी आप यहाँ आ गए, आपको याद है आपने जब वो कोर्स लिया था तब मैं वहाँ था। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं याद, फिर मैं ये हूँ वो हूँ हो गया। फिर कहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स कभी आते ही नहीं, कोई योगा को नहीं आता, कोई खेलने को नहीं आता, कोई जिम को नहीं आता। हमने कहा तुमको तनख्वाह मिलती है केवल हमें, फिर वाई वरी, दुनिया जाए भाड़ में, तुम तनख्वाह लो और मौज में रहो। बोले लेकिन मैं यहाँ इतना करता हूँ, सब फैसिलिटी है, क्यों नहीं आते? हमने कहा देखो सुनो, बिट्स पिलानी में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इंडिया का टॉपर होता है,
वो एडमिशन लेने के पहले ही अपने करियर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में ही उनका प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसे हाई क्वालिटी के विद्यार्थी ये फिजिकल नहीं करेंगे। तुमको फिजिकल करना है पटियाला चले जाओ, पटियाला में ब्रेन होता है जहाँ, उसको पटियाला कहते हैं। ये अपनी जो होती है ना यहाँ की कटोरी, उसको पटेला कहते हैं। तो जिसका ब्रेन क्रेनियम से निकल के पटेले में आया है वही शरीर में लगे रहते हैं। देखो महाराज, इसीलिए जितना हम शांत रहेंगे, कम बोलेंगे, खाने पर नियंत्रण, युक्ताहार विहारस्य, उसी प्रकार से विहार, जाएंगे मैराथन में दौड़ने के लिए, नहीं तो बैठे रहेंगे भैंस के जैसा, नहीं। मेंटेन बैलेंस, युक्त आहार विहारस्य, उसी प्रकार से इतना कर्म करेंगे और फिर थक जाएंगे, वो भी गलत है। मेंटेन बैलेंस एवरीवेयर, तब योगो बहुत ही दुख हा, तब ये जो योग है आपके दुख का निवारण करने वाला होगा। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं, यदा संहरते चायम कुरुमोंगा नीव सर्वशः, अपने आप पर नियंत्रण हो, इसको हमको कोई मदद नहीं कर सकता। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू प्रैक्टिस आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। Nobody can do it for us. लेकिन हमको आदत पड़ी है, गए मंदिर में, अरे पंडित जी जरा अपने नाम से एक महामृत्युंजय का जप कर देना यार, आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो पंडित जी कहेंगे, अच्छा सेठ जी करेंगे, वो दक्षिणा तुम लोग यार बड़े ग्रीडी हो, पैसा 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 ले लो, 125 रुपया दिए। महामृत्युंजय का जप करवाना है 125 रुपया, और चले गए पंडित जी, ये सेठ जी। जैसे सेठ जी टर्न हुए, पंडित जी कहते, सेठ जी जप हो गया, जप हो गया इतने जल्दी, 125 रुपये में ऐसे ही होता है। देखो उपासना में आप किसी को लगा सकते, वो कर्तृतंत्र है, साधना कर्तृतंत्र नहीं है। हमको जैसा बताया है उसी प्रकार से समझना है। आगे कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये बहुत महत्व का श्लोक है। कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, आप यदि जिद्दी होकर के किसी वस्तु को नहीं खाना नियम कर लो तो आप नहीं खाओगे। और हमको लगता है यही बड़ी उपलब्धि हो गई, ये बेवकूफ़ी है, उपलब्धि नहीं है। क्योंकि उसका जो रस है भोग का, वो अभी ज्यों का त्यों है। हम अपनी बात बताते हैं, हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते थे, एक दो दिन की बात नहीं, 50-60 साल तक हमने मीठा नहीं खाया। और एक बार हम वृंदावन या मथुरा में थे और किसी संत ने हमको प्रसाद दिया, अब किसी संत ने दिया और वो भी भगवान कृष्ण का दिया और वो भी वृंदावन में दिया, तो मेरी क्या मजा ले ना कहने की, तो मैंने खा लिया। खाने के बाद आहा, तब पता चला अभी भी मुझे मिठाई अच्छी लगती है। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ विवेकानंद केंद्र की स्कूल से, तो एक वहाँ लड़कियों की स्कूल थी, छोटे छोटे बच्चे 5वीं 6वीं तक के, उनके साथ हम वहाँ रहे एक हफ्ते तक। तो वहाँ के बच्चों को खाना, ब्रेकफास्ट खिचड़ी, लंच खिचड़ी, डिनर खिचड़ी, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना पापड़ है, यू नो कि खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ नींबू अचार, एक भी अचार यार नहीं था उसके साथ। तो हमने सोचा जब बच्चे खाते तो मैं भी खाऊंगा, वैराग्य, पहले दिन खा लिया। दूसरे दिन देख रहे, देखने के लिए कुछ है नहीं, वही खिचड़ी आगे पड़ी। तो वहाँ के जो टीचर थी उसने देख लिया, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आते हैं, आपके कमरे में हम पहुँचा देंगे खाना। अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रहा था कब भागू यहाँ से। और फिर उन्होंने, एक टीचर थी तो मुझे आकर के सब दिया, अचार पापड़ मिर्ची, आहा, तब पता चला कि मुझे जो वैराग्य था वो झूठ मूठ का था, टिकता नहीं।
भगवान कहते हैं आप रसवर्जम, जो भोग के प्रति रस है, आसक्ति है, वो जबरदस्ती से नहीं जाती। देखो फिर कब से जाती है, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपके जीवन में जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी, आप जितने अपने स्वरूप के पास आओगे, उतने विषयों में जो रस आता था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और यदि विषय में रस कम हो गया तो विषय का होना नहीं होना दोनों समान हो जाता है। देखो ये तो हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, वो बेवकूफी है। देखो डर डर के नहीं होती साधना, और यही हम लोग गलती करते हैं। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्ते देहिना, लेकिन रसवर्जम, हमारे हृदय में रस छोड़ जाते हैं। तो इस रस को भी खत्म करना है तो अपने मन को और ऊंचा रस देना चाहिए, और वो रस होता है परम दृष्ट्वा, अपने स्वरूप के पास पहुंच जाओ, जगत के प्रति आकर्षण अपने आप शांत हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब पैसे खत्म हो गए तो कोई आपके अगल बगल नहीं आएगा, जब पानी खत्म हो गया तो उसको कोई तालाब नहीं कहेगा। इसी प्रकार से जहां हमको अपने स्वरूप का दर्शन हो गया वहां भोग के प्रति आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। माने भोग का आकर्षण खत्म करने का तात्पर्य क्या है, भोग की सामग्री उपलब्ध है, भोग करने की क्षमता है, भोग करने का स्वातंत्र है, लेकिन भोग करने की इच्छा नहीं हो रही। उदाहरण के लिए डटके खाया नाक तक, हमें ये खाना खा लिया क्या ऐसा था, ये बोलते क्यों नहीं, स्वामी जी क्या खाया था, अब तो बोलना ही पड़ेगा। फट से स्वामी जी ने मुख से जलेबी निकाली, ये खाया था, फिर रख दी। अब जो इतना दबा के खा रहा है वो क्या बोलेगा, फिर उसको कहो ये लो तिरुपति का लड्डू है तो खाएगा क्या वो। जहां पूर्णत्व में प्रवेश होता है वहां अपूर्ण की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो किस प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान, पहला प्रश्न था कि यह जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके लिए मेडिटेशन का अर्थ क्या है, कि इच्छा खत्म हो गई, अपने में प्रसन्न है, मस्त है। दूसरा प्रश्न था कि किम प्रभाषेत, जगत के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये जगत के साथ व्यवहार हो रहा है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विघ्न स्पृहा, सर्वत्र अनभिस्नेह, दुनिया में दो दुश्मन निर्माण न करे। फिर इसके करने के लिए जैसे ये कूर्म होता है अपने आप को समेट लेने में उसको एक क्षण भी नहीं लगता, उसी प्रकार से अपने पर इतना नियंत्रण हो, जब आवश्यकता नहीं नहीं बोलना माने नहीं बोलना, आवश्यकता है तो बोलो ना। देखो ये जो मौन रखने वाले बाबा जी होते हैं ना, हमको बड़ा मजा आता है उनके साथ। एक बार हरिद्वार की बात है, हम हमारे एक मित्र के साथ रिक्शा में बैठ के आ रहे थे, तो हमारे मित्र ने कहा कि स्वामी जी इस आश्रम में बहुत बड़े महात्मा है तो दर्शन लेके चलो, हमको क्या है, जब हम पत्थरों को नमस्कार करते हैं महात्मा को क्यों नहीं। हम गए और जैसे वहाँ गए तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि महात्मा जी नहीं है अभी उपलब्ध, मौन में है। हमने कहा डांटो मत यार, नहीं करेंगे दर्शन, जा रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ बाबा जी के साथ सेक्रेटरी होता है उनको कॉर्पोरेटरानंद कहते हैं। बाबा जी को कहे कि सेक्रेटरी चाहिए, बिना दीवार के रहने वाले को क्या चाहिए। अच्छा फिर हम चल पड़े, फिर वो सेक्रेटरी दौड़ के आया और हमको कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उन्होंने आपको बुलाया। मैंने कैसे बुला सकते, वो तो मौन में, बोले आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है भाई चुप हो गए। हम गए, हमारे मित्र को कहा चल यार, बोले नहीं नहीं वो नहीं जा सकता, केवल आप जा सकते। हमने कहा एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर ए सैक्रीफाइस। अंदर गए, वो बड़े आसन पर बैठे हुए थे, शरीर भी वैसा दिव्य भव्य था, मैचिंग टू द कोच,
और मुझे एक प्लास्टिक की चेयर दे दी, प्लास्टिक ब्रांड बाबा, प्लास्टिक ब्रांड चेयर। और फिर उन्होंने कागज लिया, लिखना शुरू कर दिया, आपका नाम क्या है। मैंने लिख दिया गड़बड़ानंद, आप कहाँ से आए, कहीं ना कहीं लिखना ही है, अब हम कहीं से नहीं आते, तो लिख दिया वृंदावन। तीसरा, आप कहाँ रहते हो, यहाँ, तो मैंने किसी आश्रम का नाम लिख दिया। अब वो लिख रहे, मैं लिख रहा, वही लिख रहे, मुझे मैं भूल गया, अरे मैं तो बोल सकता हूँ यार, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। और जैसे मुझे ये याद आया कि मैं बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं हंस पड़ा, उनको भी समझ में आया, वो भी हंस पड़े, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? जब जरूरत है ना तब बोलो, जब जरूरत नहीं है तब मत बोलो। ये एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ना, इट इज वेरी इजी, नहीं बोलेंगे या बोलते ही रहेंगे, आवश्यक है उतना ही बोलो। देखो, इसीलिए यहां बताते हैं कि जगत के साथ कैसे प्रभाषेत, कैसा व्यवहार करते, इस प्रकार से कि विषया विनिवर्तन दे, जबरदस्ती से करोगे विषय दूर रहेंगे, लेकिन अंतकरण में विषयों के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो नष्ट नहीं होगा। देखो, और सबसे विचित्र बात होती है इसी जीवा को लेकर के, युवा हमको इतना खिलाती है लेकिन स्वयं कभी मोटी नहीं होती, कितने भी मोटे आदमी की जीवा देखो पतली रहती है। और दूसरी महत्व की बात, हमको बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, चुप होने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, चुप नहीं होते। यही एक ऐसा इंद्रिय है जो सबसे पहले जागृत होता है, और यही एक ऐसा इंद्रिय है जो सबसे बाद में शांत होता है। देखो महाराज, इसीलिए अपने इस एक इंद्रिय पर, और इसमें हड्डी नहीं है लेकिन कितना कठिन है, अपने शब्दों से किसी पर घाव करो तो वो घाव भरता नहीं, लेकिन यदि जिह्वा पर घाव हो जाए तो फट से भर जाता है। इसीलिए इस रसना से अपने आप को बचावे। यहाँ तक बताने के बाद भगवान कहते हैं, यततो यभि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस प्रकार से यदि हम प्रभाषेत व्यवहार न करें तो क्या होगा, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चित माने समझदार व्यक्ति, और वो बड़ा प्रयत्न कर रहा है फिर भी कब उसके इंद्रिय उसको धोखा दे जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियों के द्वारा हमारे मन का मंथन होता है। देखो, एक प्रत्याहार की साधना आती है योग शास्त्र में, बाहर दुनिया है, दुनिया को हमारे मन में प्रवेश करने के 5 दरवाजे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय। जब तक के दुनिया 5 दरवाजे से हमारे मन में प्रवेश नहीं करती तब तक दुनिया के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो प्रत्याहार माने क्या, दुनिया को अपने मन में प्रवेश करने वाले जो दरवाजे हैं उनको बंद करो। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने नहीं खाना। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं, इसीलिए साधना शुरू होती है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने से। कहते हैं कि यततः अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, कितने भी आप समझदार हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन अपने इस इंद्रियों पर कभी भरोसा मत रखना। देखो, व्यक्ति को ये बोलने की बहुत भयानक आदत होती है, बोले जा रहे कोई अर्थ नहीं उसका। इसका कारण क्या है, इसका चिंतन करो। कारण ये है, जहाँ 4, 6, 8 लोग बैठ गए वहाँ हम पार्टिसिपेट करना चाहते, दूर रहो ना, पब्लिक को बोलने दो, आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक ने एक विषय निकाला, उसके ऊपर दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, और वो ऐसा गरम गरम हो जाता है, उससे कोई निकलता कुछ नहीं है। देखो, जैसे गवर्नमेंट, टीवी, न्यूज़,
इसे क्या निकलना है, यह हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो सत्ययुग में भी हिरण्यकश्यपु था, त्रेता युग में भी रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर युग में कंस और दुर्योधन थे, कलयुग में हम सब है, नई कौन सी बात है, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन है इसी जन्म में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए, उसके लिए अपने को हट जाना है, उनको जगा दो। देखो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, तो जहां हमने इंद्रियों को बंद करके अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने दिया, फिर हृदय खाली हो गया। खाली हृदय में जो होता है, ध्यान से सुनना, अभाव में जो होता है वो परमात्मा है, और जो भाव अभाव के परे होता है वो परमात्मा की अनुभूति है। देखो जगत में कोई भी अनुभव ले हो आप, वो हमेशा भावात्मक होता है, क्योंकि अभाव भी भावात्मक है। मुझे कुछ नहीं आता, आता है। इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है इसको पकड़ना है तो अभाव को विषय बनाओ, तो सब विषय खत्म हो जाएंगे। अब भी करो, शब्द के अभाव को विषय करो और शब्द के अभाव को सुनो। ये जो आपका अनुभव है इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कितना हम शब्दों को महत्व देते हैं, कॉन्स्टेंटली कौ 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 चल रहा है। जैसा जैसा हम इस अभाव को महत्व देंगे, यही दो विषय है जिसको जगत कहते हैं, नाम रूप जगत है। तो यदि नाम माने शब्द, शब्द के अभाव को आपने मन को दिया तो मन गायब हो जाएगा। उसके बाद रूप का अभाव, अब रूप के अभाव की एक टेक्निक बताते, मुझे गारंटी आप नहीं करोगे, कितना आत्मविश्वास है। अपने कमरे में अंधकार में बैठे रहो, कुर्सी पर, टेबल पर, बेड पर, कहीं भी, और आंखें खुली रखो, तो क्या होगा, अंधकार होने के कारण कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए आप देखने वाले नहीं हो, क्योंकि दिख नहीं रहा कुछ, तो कुछ देखा नहीं और कोई देखने वाला नहीं, लेकिन देखना हो रहा है क्योंकि आंखें खुली है। सीइंग विदाउट सीयर एंड सीन इज द एब्सोल्यूट रियालिटी। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद निर्माण नहीं होता, वो है शुद्ध ज्ञान, वो है शुद्ध चैतन्य। वह भोग जिस भोग में भोक्ता और भोग्य यह द्वैत निर्माण नहीं होता, वो है अपना स्वरूप। इसीलिए इस अभाव को विषय बनावे और इसको और सूक्ष्मता से लेना है, तो एक और टेक्निक ऐड कर लो, एट ए टाइम दोनों करो। अभी एक तो शांति को सुनना है और दूसरा अपने आप से बोलना नहीं। अब इसमें क्या हो गया,
शब्द को सुना नहीं माने शांति को सुना तो ग्रहण किया अभाव का, और बोले नहीं तो निर्माण किया अभाव का। शब्द का निर्माण होता है, अभाव का निर्माण नहीं होता, अभाव होता है। लेकिन इस अभाव में हम थे, हमारा अभाव नहीं था। जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वो अपना स्वरूप है। देखो, इसीलिए इस स्थिति में आने के लिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। अब अर्जुन का तीसरा प्रश्न था किमासीत, कौन सी बैठक है उनकी जिसके कारण ये जो जगत के विषय है वो उनको प्रभावित नहीं करते, और इसीलिए अंतकरण में कोई इच्छा निर्माण नहीं होती, और इसीलिए वो आत्मन्येवात्मना तुष्ट है। क्या बैठक है उनकी, किमासीत, ये कहते हैं अगले श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परहा। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसीत आसन बैठक कहाँ है, मत परा। उनके लिए अपना स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। देखो, और अपने स्वरूप के पास लौटना है तो केवल जो बहिर्मुखित्व है उससे उपरत होना है। इसीलिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अप, नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग। केवल मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं की अमृतत्व मानसु, हमने त्याग का ही त्याग कर दिया है। तानी सर्वाणी संयम्य, तानी सर्वाणी इंद्रियाणी संयम्य, संयम्य का तात्पर्य क्या है, संयम यह एक पारिभाषिक शब्द है, त्रयम एकत्र संयमः। पतंजलि महर्षि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो यम से शुरू होता है और धारणा ध्यान समाधि तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको संयम कहते हैं। तो असली जो योग है वो है यम से शुरू करो और संयम में पहुंच जाओ, माने जिसका मन देश काल वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसा जो मन है उसको कहते संयमित मन, और ऐसा जिसका मन है उसको कहते संयमी। तो यहाँ कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, अपना मन अभी देश में नहीं भटक रहा है, काल में भूत भविष्य में नहीं भटक रहा है, वस्तु में वर्तमान में नहीं भटक रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य, फिर युक्त आसीत, फिर ये मन सो गया क्या, बोले नहीं सो नहीं गया, यह मन अब मत पर रहा, अपने स्वरूप में डिसॉल्व हो गया। जब मन सोता है तब दुनिया नहीं दिखती, जब मन डिसॉल्व होता है तब दुनिया देखते हुए भी दुनिया का प्रभाव नहीं होता। ये स्थिति वैसी ही है जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा तो अग्नि के प्रतिबिंब से दर्पण जलता नहीं, अग्नि दर्पण में यदि पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में स्थित है तो ये उपाधियों के जो गुणधर्म है उनका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो कारण क्या है, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परहा। और एक सूक्ष्म बात ध्यान से सुनो, हमारा मन या इंद्रिय एक बार केवल एक ही वस्तु को ग्रहण कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं इधर, अब मैं अकेला थोड़ी हूँ स्टेज पर, कितनी सारी चीजें हैं, बाकी के चीजें आपको दिख रही है लेकिन आप देख नहीं रहे। यू आर सीइंग बट यू आर नॉट लुकिंग।
हम साइट सीइंग के लिए जाते, साइट लुकिंग के लिए नहीं जाते। देखो युक्त आसीत मत पराहा, तो ऐसे साधु संत ये जगत में रहेंगे, सब दिख रहा है लेकिन किसी में फंसे नहीं। युक्त आसीत मत पराहा वशे ही यस्येन्द्रियाणी, तो जिसके सभी के सभी इंद्रिय वश में आ गए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई, माने अब उसके ज्ञान में खोट आने की संभावना नहीं। और महत्व की बात है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो, शरीर नहीं, स्थैर्य समझदारी का हो, स्थित प्रज्ञ माने ही हूज विजडम इज स्टडी, स्टडी विजडम। हमारा विजडम पब्लिक के लिए होता है, जो विजडम पब्लिक के लिए होता है उसको फिलॉसफी कहते हैं, और जो फिलॉसफी अपने पर लागू होती है उसको विजडम कहते हैं। तो वशे ही यस्येन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ इसके आगे हमारे नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। आठ सीढ़ियाँ हैं, आठ सीढ़ियों से हम नीचे गिर जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आठ स्टेप्स। अब कैसे होता है? पहली बात, ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब व्यक्ति किसी भी विषय का ध्यान करता है तो संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति मन में आसक्ति निर्माण हो जाती है। फिर संगा संजायते कामः, इस आसक्ति का आगे डेवलपमेंट होता है कामना, और कामात् क्रोधो भी जायते। जब हमारे मन में कामना आ गई तो उसके दो पर्याय है, एक तो हमारी कामना पूरी होगी नहीं तो नहीं होगी। यदि हमारी कामना पूरी नहीं हो गई तो गुस्सा आया, और पूरी हो गई तो लोभ आया। देखो एक राजस्थान की लड़की की शादी हो गई, और उसके दोस्तों ने लड़के के दोस्तों ने उसको समझाया कि देख यार, वो शादी करके जा रहा है, पहले ही दिन से बीबी को दबा के रखना, मीठी मीठी बात मत करना, वो सर पे चढ़ जाएगी, पहले दिन से डांट के बात करना, खाना ले आओ नहीं तो, तो वो घबरा के खाना ले आएगी। एक हफ्ते दो हफ्ते करने से हो जाता है, लेकिन एक बार आदमी को आदत पड़ गई तो आदत पड़ गई, बस शुरू हो गया, कुछ भी करना है ये करो नहीं तो, वो बेचारे घबरा करके करती थी। एक दिन दो दिन छः महीने निकल गए, वही धंधा। एक बार वो कुछ बर्तन साफ कर रही थी, हाथ खराब थे, और इसको नहाना था, फिर उसने चिल्लाया मुझे नहाना है, गर्म पानी दो नहीं तो। वो नहीं तो क्या, बोले ठंडे पानी से नहाऊंगा। देखो महाराज, ग्रीड हम स्वयं निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनना, दो बड़ी बातें मंत्र के रूप में जीवन में स्वीकार करें। पहला मंत्र है, जगत में नहीं कहने की हिम्मत चाहिए। नो मीन्स नो, ये तो जगत आपको रगड़ देगा। देखो, और दूसरी बात, नहीं सुनने की क्षमता चाहिए। आजकल क्या हो गया, हम दो हमारा आधा आधा, दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और एक यूजलेस बच्चा है। पहले पता ही नहीं लगता था, अरे ये किसका है, ये अपना चौथा है, अच्छा अच्छा ठीक। कभी आपके माँ बाप ने पूछा कि कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी बच्चे की परीक्षा है और माँ बाप को टेंशन है। लो तो ये जो बच्चे को हमेशा जो चाहिए दे रहे, जो चाहिए दे रहे, उसने जिंदगी में ना कभी सुना ही नहीं। और फिर पहली बार दुनिया जब जाता है, और वहाँ पहली बार जब नहीं सुनने को मिलता है, तब वो एकदम पैरालाइज हो गया। इसीलिए संतो, इधर ध्यान देना, वी हैव टू
have capacity to deny no means no. जैसे हमको अभी दिन में इतना खाना पड़ता है, हम ये माताओं की बात मानेंगे ना तो पागल हो जाएंगे. और उनको कुछ नहीं होता, उनको कहो ना देखो अम्मा मैं खाऊंगा ना मरूंगा, बोले कोई बात नहीं. इसीलिए फिर मैं एकदम रुद्रावतार धारण करता हूँ. नहीं नहीं आपको तो खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगा. ओके ओके स्वामी जी. देखो इनको ऐसे लगता है कि स्वामी जी पिछले 36 साल से खाना नहीं खाए, इसीलिए ये गोडाउन है, भरोगे उसमें. यू हैव टू हैव दिस टू कैपेसिटीज. इसीलिए कामात क्रोधो भी जायते, और क्रोध और लोभ आ गया तो क्रोधान बहुत ही सम्मोहा, मनुष्य मोह में फंस गया. एक एक स्टेप देखो कैसी है. पहले ध्यान किया विषयों का, फिर संग हो गया, फिर काम आया, फिर क्रोध आ गया, क्रोधान बहुत ही सम्मोहा, फिर सम्मोहा स्मृति भी ब्रह्मा. जब व्यक्ति मोह में आता है तो भूल जाता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ. अर्जुन की बात, युद्ध के मैदान में वो क्या अपने दादा को देखने आया था, युद्ध के लिए आया था ना, भूल गया. सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशा. फिर व्यक्ति अपने समझदारी को खो बैठता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी समझदारी खत्म हो गई उसका सत्यानाश हो गया. इसीलिए इसका मूल कहाँ से है, ध्यायतो विषयान पुंसः, अनावश्यक चीजों के बारे में चिंतन करना ये अपने ही लिए हानिकारक है, क्योंकि वो बढ़ते जाता है. कल आपको बताया था हमने, दो प्रकार के विचार है, एक है विचार दूसरे है विकार. विचार वो होते हैं जो एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, और विकार वो होते हैं कि जिसमें एक विचार से दूसरे विचार का जन्म हो गया, और विचार वो है जिसमें अपने आप में पूर्णता है, उससे दूसरा विचार का जन्म नहीं होता. इसीलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो करे क्या. फिर भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियचरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. तो कैसे व्रजेत किम, एक प्रश्न था कि यह जो ज्ञानी पुरुष है जगत में कैसे चलता है, ऐसे चलता है राग द्वेष वियुक्त ही. अब उसके जीवन की प्रेरणा राग द्वेष नहीं है. फिर विषयान इंद्र ही चरण, जगत में विषयों में रहते हुए भी राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के नहीं चल रहा है. फिर कैसा आत्मवश्य ही, सभी के सभी इंद्रिय उसके अपने वश में है, विधेय आत्मा मन में कोई विक्षेप नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति. देखो अब प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ समझ ले. जब हम किसी मंदिर में पहुंच गए, दौड़ भाग करके मंदिर बंद होने का समय था और हम पहुंच गए और हाँप रहे हैं, और वहाँ आपको पंडित जी ने कुछ प्रसाद दिया, तो उस समय हमारी बुद्धि क्या होती है. पहली बात हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली स्वीकार करते हैं, दूसरी बात हम उस प्रसाद का आदर करते हैं, तीसरी बात हम उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते, चौथी बात उस प्रसाद की दूसरे को कितना दिया इसकी तुलना नहीं करते, पांचवी बात ऐसे नहीं कहते अरे पंडित जी तुमने हलवा दिया थोड़ा आचार है क्या सर, प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करते. प्रसाद बुद्धि ये है. देखो महाराज प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते, मन को प्रसन्न रखना यही अध्यात्म. इसीलिए प्रसाद किसको कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परी परमात्मनि अवतिष्ठते. जो प्रसन्न चित्त है वही भगवान का स्मरण चिंतन कर सकता है, जो दुखी है वो दुख का स्मरण करेगा. भगवान के सामने जाएगा भी तो यही कहेगा अरे भगवान यार मेरे घुटने में बड़ा दर्द है कुछ करो यार. माने भगवान होने चाहिए जीवन का लक्ष्य और जीवन होना चाहिए साधन,
हम भगवान को बना लेते हैं साधन और घुटने को बना दे लक्ष्य। देखो साध्य साधन विवेक शून्य हो गया। इसीलिए प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो पूरे भगवद गीता का तात्पर्य क्या निकला? मौज में रहो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। देखो ये तो खामो खाम इतने परेशान रहते, इसने ये कहा उसने, अरे मारो गोली, तुम मौज में हो ठीक है, लेकिन ये दुनिया ऐसी क्यों है? तुमने बनाई क्या नहीं, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? एक ने हमको पूछा कि महाराज ये भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाया? देखो यार मैंने नहीं बनाया, डोंट कंप्लेन, भगवान को जाके पूछ। आदमी को एक बार ये आदत लग गई ना वरी करने की, खामो खाम के बारे में मुंह मारने की, बहुत कठिन है रोकना, व्यक्ति को इसका प्रयत्न करना पड़ेगा। आगे कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना नचा भावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। जिसको ये युक्ति नहीं है, कौन सी युक्ति? प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये नैक है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है, बाकी जगत की चिंता कर ये नैक है। ऑलवेज रिमेन चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब ये नहीं खामो खाम हंसे जा रहे पागल के जैसे, वो लाफिंग क्लब वाले होते, आपको पता है यहाँ भी होगी लाफिंग क्लब। लाफिंग क्लब में जो जिंदगी में कभी हंसे नहीं ऐसे चार छह बुढ़ाव इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको सिखाने वाला एक जवान लड़का होता है। जो सुबह सुबह पहुँच गए पब्लिक प्लेस में, किसी गार्डन में, घर में तो हंसने का शर्म आता है, गुस्सा करने की शर्म नहीं आती, हंसने की शर्म आती है। तो ऐसे हमने ये देखा भोपाल में, इसलिए आपको बता रहे हैं। ऐसे हमारे जहाँ रहते थे बागीचा था, हम सुबह घूमने जाते थे, ऐसे आठ दस बुढ़ाऊ सबके मध्य प्रदेश बाहर आए हुए, मध्य प्रदेश के रहने वाले सबके मध्य से बाहर आए हुए, और वो एक जवान लड़का आकर के उनको सिखाता है कैसे हंसना। फिर वो तीन बार ताली बजाएगा, ठक ठक ठक, आप करो जोर से हा हा हा, तो किसी को खांसी आ रही है, किसी को पेट दुख रहा है, हाँ और ट्राई करो अंकल और ट्राई करो, और किसी को जोश आ जाता है, और वो जोश में जो हा 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 करे तो डेंचर बाहर। अब डेंचर बाहर आने के बाद कौन सा डेंचर किसका है, मिक्स हो। देखो इसको हंसना नहीं कहते, इसको प्रसन्नता नहीं कहते। प्रसन्नता माने आपको कोई कंप्लेन नहीं, ना शिकवा है ना गिला है। देखो हर चीज को लेकर के कंप्लेन, गवर्नमेंट ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, अरे राम राम राम, चुप रहो ना। देखो हर एक के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, कौन है, किस लिए आया, क्यों आया, क्या कर रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है। देखो नहीं तो व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ये युक्ति जिसको नहीं आई उसकी बुद्धि माने समझ जीरो होती है, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड, क्योंकि ही इज आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम। तीन प्रकार के लोग होते हैं जो सुनते हैं, एक को कहते हैं श्रोता जो सुनते हैं, दूसरे है सोता जो सोते हैं, तीसरे होते सरोता जो काटते रहते हैं। देखो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि समझदारी नहीं, नचायुक्तस्य भावना, फिर ऐसा व्यक्ति भावना भी नहीं कर सकता। भावना करना माने क्या, शांत बैठे और बैठ करके ये भावना कहना करना कि मैं आकाश स्वरूप हूँ। इस आकाश का अनुभव कैसा होगा, आकाश क्या है, तो आकाश का आकार नहीं, तो ये निराकार अनुभव कैसा होगा। आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो मैं भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बचपन आया चला गया, मैं ज्यों का त्यों, जवानी आई चली गई, मैं ज्यों का त्यों, मध्य वय आया चला गया, मैं ज्यों का त्यों, बुढ़ापा आया चला जाएगा, मैं ज्यों का त्यों।
इस भावना का अभ्यास करते 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 व्यक्ति अपने आप जगत से उपरत होने लग जाता है। नचा युक्तस्य भावना नचा भावयेत शांति ही, जो इस प्रकार की भावना से अपने स्वरूप के पास पहुंचने में असमर्थ है उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अभी केवल अपने पेरी फेरी में ही भटक रहा है। देखो कल परसों आपको बताया था हमने, समुद्र के ऊपर तैरो तो लहरों के द्वारा ऊपर नीचे गिरेंगे, और जहां लहर है वही गहराई में चले जाओ एक भी लहर नहीं होगी। इसी प्रकार से जहां विक्षेप है वहीं से नीचे अंदर चले जाओ वहां एक भी विक्षेप नहीं है। इसी प्रकार से मन में रहना यह समुद्र के ऊपर स्तर पर रहना है, और चैतन्यमय होना अपने गहराई में पहुंच जाना। तो जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो क्या करते हैं, नाक बंद मुंह बंद। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में पहुंचना है मुंह बंद, अनावश्यक बोलना, अपने आप से दूसरे से अनावश्यक खाते रहना या बिल्कुल ही नहीं खाना। एक्सट्रीमिज्म इज वेरी इजी। देखो इसीलिए नचा भावयेत शांति अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए संतो एक बात ध्यान रखना, हमको अपने आप से प्रसन्न रहना है। जो अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो जगत में किसी से भी प्रसन्न नहीं रह सकता। इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ यू विल बी एट पीस विथ एवरी वन इन दिस वर्ल्ड। देखो और इंद्रियाणाम विचरता यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवामसी। तो जो व्यक्ति इंद्रियाणाम विचरता यन मनोन विधीयते, जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे अपने मन को दौड़ने देता है और फिर उसके द्वारा प्रभावित होता है, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे समुद्र में नाव है और बड़ा जोर से तूफान आया और चली गई, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो माने हे शक्तिशाली अर्जुन माने आप और हम, अपने आप को एकदम वीक मत समझना। क्लैब्यम मा समगम पार्थ, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमेशा ही रहता नहीं ये बड़ा डिफिकल्ट है, वहां कोई ही डिफिकल्ट नहीं है। एक बार नरेंद्र घोष ने भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा था कि ये बताइए कि माँ आपसे बात करती हमसे क्यों नहीं बात करती। बोले तुम चाहते नहीं। बोले मैं तो चाहता हूँ। बोले तुम्हारे चाहने से क्या होगा, ऐसे चाहो कि वो जरूर बोलेगी। बोले ठीक है अब नहा लेते हैं, पहली बात कि नहाने के लिए गए गंगा जी में और उसका सर भगवान रामकृष्ण परमहंस ने पानी के नीचे डुबोया, निकाला नहीं बाहर, और जब तड़प रहा बाहर आ गया हा हा करके, तब कहते जब पानी के अंदर तुम सांस लेने के लिए तड़पते थे ना, वैसी तड़प जब हो जाए माँ के दर्शन के लिए तो जरूर माँ बोलेगी। हम लोग हैं 5-star स्पिरिचुअलिस्ट, एसी यूसी डीसी आईसी यूसी आईसीआईसी बैंक फैट बैलेंस, एक सेठ जी मोटे से गोद में दो पोते, वहां सेठानी मेरू पर्वत के जैसे खड़ी है, दुनिया भर के अलंकार शरीर पर है, वो बच्चे एक नाक में डाल रहा उंगली कान में डाल रहा है, और सेठ जी 2000 की गट्ठी गिन रहे हैं। उस समय भगवान सामने आए तो कहेंगे हैंग अराउंड और मुझे गिन दे दो पहले। ऐसे हमको भगवान का दर्शन चाहिए। देखो महाराज जो शास्त्रों में कथाएं आती है ना उसका तात्पर्य यही है,
अमुक अमुक राजा 10,000 साल राज्य किया पृथ्वी का, फिर उसने अपना सब अपने बच्चों को दे करके जंगल में गया तपस्या करने का। हम लोग इसका अर्थ क्या निकालेंगे? 10,000 साल कौन जीता है यार, ये कॉक एंड बुल स्टोरी है। नहीं, इसका तात्पर्य निकालो। आप 10,000 साल भी राज्य करो तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता नहीं आ सकती जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसीलिए पहले इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाना, तभी अपनी बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो गुणैः। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, अब उसका वर्णन करते कैसे? यह जो द्वैत का जगत अज्ञानी के लिए सत्य है, ज्ञानी के लिए उसकी कोई सत्ता नहीं है। और जो सत्य वस्तु है जिसमें ज्ञानी जग चुका है, अज्ञानी उसके प्रति एकदम सोया हुआ है। माने दर्शन सबको वही हो रहा है, लेकिन ज्ञानी को दर्शन हो रहा है परमात्मा का, अज्ञानी को हो रहा है दुनिया का। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। एक ही स्त्री, उसके तरफ उसके पिताजी देखते हैं तो कन्या का दर्शन हो रहा है। वही स्त्री उसके तरफ उसके पति देव देखते हैं तो पत्नी का दर्शन हो रहा है। वही स्त्री उसके तरफ उसका पुत्र देखता है तो माँ का दर्शन हो रहा है। कितना फर्क आ गया दृष्टि में। अज्ञानी जब परमात्मा को देखता है तब जगत कहता है, और ज्ञानी जब जगत को देखता है तब परमात्मा कहता है। क्योंकि जगत क्या है? अस्ति नास्ति अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचमशकम्। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद नाम रूप, ये जगत है। तो हमारी दृष्टि नाम रूप में फंसी है। इसीलिए आपको बताया था, नाम का अभाव शांति उसकी धारणा करो, रूप का अभाव केवल निराकार का, अपने आंखों को निराकार में लगाओ। अपने आप मन चैतन्य में जाएगा। मन में ही नाम रूप है। जहां मन को नाम रूप से हटा दिया, वही नाम रूप रहित मन ही चैतन्य है। जहां पुत्र पति और पिता इन तीनों का त्याग कर दिया, वही आदमी है। एक ही आदमी तीन उपाधियों के कारण मानो तीन बना था। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि चढ़ाई, जगत बन गया। वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि चढ़ाई, जीव बन गया। वही परमात्मा माया की उपाधि चढ़ाई, ईश्वर बन गया। ये उपाधियों का त्याग कर दो तो एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इसको कहते हैं पश्यतो मुने हे। फिर ऐसा जो ज्ञानी है उसके बारे में बताते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार से समुद्र में कितनी भी पानी आ जाए नदियों से, समुद्र कभी बाहर होकर बढ़ता नहीं और उसमें कोई भी हलचल नहीं, ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से इस ज्ञानी में जगत के कितने भी विषय आ जाए, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विषयों का होना और नहीं होना दोनों समान है। उसको शांति है, स शांति में अपनोति न काम कामी। जो कामना करने वाला है उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। देखो अशांतस्य कुतः सुखम्। इस प्रकार से जब साधक अपने इस स्वरूप को चलाता है, तब ये साधक या ज्ञानी पुरुष जगत में कैसे चलता है, अब ज्ञानी पुरुष की व्रजन की क्रिया बता रहे हैं। एक एक स्टेप, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। 5 बातें बताइए। पहली बात, यहाँ सर्वान् कामान विहाय, जगत में कामना के पूर्ति के लिए नहीं घूम रहा है, बल्कि उत्साह से घूम रहा है। देखो हम लोगों ने अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरा जीवन बताया, लेकिन क्या जीवन में परिपक्वता पूर्णता आई?
साधु संत अपने कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते, केवल उत्साह से प्रेरित होकर के जीते हैं। असली सफलता इंस्पिरेशन से आती है, कामना से नहीं आती। डिजायर लीड्स टू परस्पिरेशन एंड नॉट सक्सेस। तो विहाय कामान ये सर्वान उमा चरती निष्पृहा। दूसरी बात है निष्पृह। निष्पृह माने किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि यही हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, जब है तब ठीक है, नहीं तो ठीक है। और चरती एक जगह बैठा नहीं रहता, चरई वेती। देखो महाराज, द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। उसी प्रकार से बताते आप घूमते रहो तो मूविंग बाबाजी डजन गैदर मॉस एंड मास, वो दोनों, ये तो दोनों इकट्ठे हो जाते। फिर निर्ममो निरहंकार। निर्मम माने जिसने भूत को जला दिया है, ये बहुत बड़ी साधना है। कई बार आपको बताए अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। और निरहंकार, फिर अपने त्याग का जो अहंकार होता है वो सबसे ज्यादा भयानक अहंकार होता है। एक बाबा जी था, हरिद्वार के ऋषि बात है, होगा मिडिल एज का, पढ़ा लिखा, बड़ा स्मार्ट। और वहाँ तो गंगा किनारे सब बाबा जी बैठे थे और ये भी जाके बैठा। और एक बार हो गया, दो बार हो गया, मैंने अपनी गोल्ड मेडल और MSc की फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया गंगा जी में, वैराग। और हमारे जैसे खूसट बाबा जी हर जगह होते, तो एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरे बार बाबा जी ने कहा कि देखो महात्मा जी, आपकी वो फटी डिग्री अभी आपके मन में है। मनुष्य को अपने त्याग का अभिमान बहुत ज़्यादा होता है, जितना वस्तु के होने का है उससे ज़्यादा त्याग का अभिमान। निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, वही जीवन में शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त भूमियति। देखो यह जो ब्राह्मी स्थिति है, अपने में संपूर्ण रूप से वापस लौट के आना, एक ही बार करना है, दो बार नहीं। जो परिच्छिन्न है उसको हम दोहरा सकते हैं, जब करो राम 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 कर सकते हैं, शांत रहो। यू कैनॉट रिपीट, क्योंकि शांति अनंत है, शब्द शांत है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे अर्जुन यह ऐसी स्थिति है, केवल एक बार हमको अपने आप को पहचानना है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य भूमियति, फिर स्थित्वा श्याम अंत काले भी। अब कब हो, कभी भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है। अंत काले भी, मरने के पहले एक क्षण काफी है। देखो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इस प्रकार से अर्जुन के जो चार प्रश्न थे कि जिसका जिसकी समझ ठिकाने पर है उसके लिए ध्यान का मतलब कामना से मुक्ति और प्रसन्नता, जगत में कैसे वो रहता है, जगत के साथ रिएक्शन नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। और फिर कैसे घूमता है, विहाय कामान्य सर्वान। और बैठक क्या है, मुहयुक्त आसीत मत्परः। इस प्रकार से इस द्वितीय अध्याय में साधक के लिए जितनी सामग्री है वो सब बताई है। अब आप करो या ना करो, ना करो तो अच्छा है, अपने अज्ञान को मेंटेन रखो ताकि अगले साल का हमारा मार्केट बना रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।